थिंक मेरे 28 साल के करियर में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब बहुत एक्साइटेड रहता है इंसान, तो ये बहुत एक्साइटमेंट की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में पिछले 60-70 सालों में बहुत सारे म्यूज़िक कंपनियाँ आई हैं और गई हैं, लेकिन ये म्यूज़िक कंपनी मुझे ऐसे लग रही है कि बहुत पोटेंशियल है, और जो ये गाने लेकर आए हैं, मैंने कुछ एक दो गाने देखे थे कल शान के, देखे थे कुणाल गांजावाला के, इट वॉज फंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही कमाल के तरीके से बनाया गया है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी खूब चले, और जब कंपनी चलेगी तो बहुत सारे काम और चलेंगे, म्यूज़िक एक्टर चलेंगे, सिंगर चलेंगे, आप लोग चलेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि कंपनी बहुत कमाल करने वाली है। सर, ये लोग इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेके आ रहे हैं रिमिक्सेस के ज़माने में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक देखो, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक तो हमेशा रहा है और रहेगा, चाहे वो विदेश में हो, चाहे इंडिया में हो, हर जगह, और वो होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, बॉलीवुड फिल्में कई बार बहुत ड्रैग कर जाती हैं, कम हो जाती हैं, हिंदी फिल्में कम मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक 80s का, जब हिंदी फिल्मों में जब ज़्यादा चल नहीं था, मिथुन का ज़माना था, क्या रे जानता नहीं क्या, उस ज़माने में जो गाने अच्छे बनते नहीं थे, तो पॉप एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ था और वो आज तक चलता आया है। ठीक है, कभी बॉलीवुड तो कभी प्राइवेट एल्बम्स चलते रहेंगे, अच्छी बात है। एक्चुअली मैं जब कल देख रहा था, पूरे एल्बम्स देखे मैंने इनको गाते हुए, तो मैंने ऐसे गाने, पहली बात तो जो म्यूज़िक बनाया गया है, तो मैं कंग्रेचुलेशन बधाई देना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने म्यूज़िक बनाया, नंबर वन। नंबर टू, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुणाल गांजावाला ने एक अलग स्टाइल में गाना गाया है। हमने भीगे होंठ तेरे देखा उनका, हमने बहुत सारे संजय भंसाली की फिल्मों में देखा उन्हें परफॉर्म करते हुए, लेकिन ये अपने आप में यूनिक है। और शान ने भी एक ऐसा दर्द भरा गाना गाया है, आई थिंक कुछ समय के बाद आप लोग देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि शान से अच्छा कोई गा ही नहीं सकता था। और म्यूज़िक कंपनी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे सिंगरों का सिलेक्शन किया और वो इस तरीके से गा रहे हैं, वाकई माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, कमाल है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। अजय जायसवाल जी बहुत ही पुराने प्रोड्यूसर हैं और हमेशा सकारात्मक कार्य करते हैं, आप वेब सीरीज भी बना रहे हैं और जो अभी 11 गाने रिकॉर्ड किए हैं, सभी बड़े बड़े सिंगर हैं, बहुत ही अच्छे आज के दौर के गाने, निश्चित रूप से अपेक्षा फिल्म्स आने वाले दिनों में बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी और प्रोडक्शन हाउस होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले। Regarding the Apeksha films and music, we just want me to tell exactly. Yeah, the wishes and about the company and. See, I will. Paro is around. Paro is around. Yeah. She is okay. Good. Yeah. Okay. So you want it? Yes. What's up? Hi. Good. How are you? Yes. What's up? I'd like to thank them for inviting me for such a beautiful event. It's a pleasure and honor to be part of this event, and I would like to congratulate sir for coming up so well in the market, where there's so many music companies, you know, with different kinds of music floating around in the world, in the market. I think they are doing a remarkable and an incredible job. All my best wishes to you sir, many many more congratulations and goodwill and success from my side to you, and hope you do extremely well always. Thank you so much. Thank you. Thank you.
सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपेक्षा म्यूज़िक को, और मुझे लगता है कि सभी सिंगर्स के लिए जो नए आज की जनरेशन हैं, जितने भी उभरते हुए कलाकार हैं सर, उनके लिए ये अपेक्षा बनके मतलब उनकी आशाओं पे खरी उतरेगी। मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ इन्वाइट किया और मुझे इस लाइक समझा। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, guys, first of all, for being here. And it feels brilliant. I feel amazing. We actually started this company with a vision. And our vision was to give a lot of new talent, you know, a chance to come into Mumbai and, you know, show their talent to us. So this was our aim. And we want to bring in original music. Our music is more to originality and, you know, less to making remixes. And we are looking forward for all of you to you know, listen to our music, and we want to bring in a lot of soulful music. So that is our motto. And yes, so we have a picture films and we have media entertainment, we want to bring it all. So how are you managing everything? It's a whole lot of things. That's right. Okay, so first of all, we would be releasing in 4 songs. It is not easy. Of course, we're managing in a lot of stuff. We're managing a news channel, we're managing, you know, a film side, we're managing even music. So right now we're concentrating on music, since I have a personal motto of bringing in a lot of good new music that would also include English. So we are, we, you know, we're looking forward to bringing in a lot of original stuff. It was not easy to manage all of this, but I believe that, you know, when we made these 4 videos, they were a very great experience and something new and, you know, for all of us to experience. So I think the entire journey has been really great. And yeah. So we have Sean, we have Kunal Gandhi, we have Natash, and we have Shahid Maria. So tell us about these 4 original songs that we're releasing today. Okay. So, I would like my father to answer that, because he is the whole and soul. I think you want to answer. We have legends singing for our company, and it's a great pleasure. They supported us. They are supporting us. So the four songs that are going to be coming out today. One is sung by Shan, and the great legend Shan. He's one of the greatest singers, and we're highly obliged to have him around us and, you know, sing for us. He's one of the great and successful artists who have actually you know, sang for us. Amongst them, we also have Shahid Malia, Kunal Ganjawala, who has sang a really soulful song. I really want you all to listen to it, and Mr. Nakash Aziz. So he's also sung a very nice song for us, and I think I would break in the further details to you a bit later. And they've got another 14 songs which are ready for release, so what next? Well, yes, there are 40 songs that are going to be coming up, and what's coming up next is going to be a surprise, just like how this was for all of y'all. And we would be coming in with a lot of fresh stuff, something new for Mumbai industry and the film industry to, you know, look at. So you guys should definitely, you know, wait for it, and it'll be great. Thank you. Thank you so much. So we'll do a picture, please. Congratulations.
हेलो हेलो आइए आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया ग्रेट इनिशिएटिव एंड अपेक्षा म्यूजिक आजकल एक सिंगल्स का दौर फिर से लौट आया है लौट आओ ना गाने का भी नाम है और वैसे मुझे इतना इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है लेकिन आमिर जो इंजीनियर हैं और बहुत सालों से उनके साथ मैंने बहुत हिमेश जी के बहुत सारे गाने के इंजीनियर रहे हैं तो एक बहुत पुरानी ताल्लुकात थी और आमिर ने गाना सुनाया तो मुझे गाना बहुत पसंद आया और आजकल वैसे भी थोड़े से दिल जले दुखी गानों का एक दौर चल रहा है मैं कभी दुखी गाने गाने का बहुत ही कम मुझे मौके अवसर मिले थे तो मैंने कहा कि दुखी गाना भी गाकर एक मज़ा लेता हूँ दुख का भी मज़ा एक अलग होता है ना तो उस मज़े को लेने के लिए गाना गाया और बहुत अच्छा उन्होंने कंपोज़ किया है और सर ने अभी प्रॉमिस किया है बहुत खूबसूरत वीडियो बनेगी इसकी और बहुत अच्छा लोग देखेंगे सुनेंगे इन्जॉय करेंगे तो इसी उम्मीद के साथ मैंने भी गाना गा दिया और आगे यही अपेक्षा करते हैं कि सबको बहुत पसंद आएगा वर्ड्स पल पल हर पल रहना तुझको एक सेकेंड मुझे लिरिक्स तो भेजे थे हाँ देखिए आप ही का मिल गया पल पल हर पल सोचूं तुझको होके जुदा ना हुआ तू ही तो रहता है मुझ में और मुझ में मैं ना रहा जो हुआ भूल से जाओ ना लौट आओ ना लौट आओ ना लौट आओ ना आज ये गाना गाना यहाँ आने के पीछे एक और मकसद ये भी है कि आज रवि साहब के 19वीं बरसी है और उनकी जब भी हम गाने सुनते हैं उनके जब भी बारे में सोचते हैं तो दिल में यही बात आती है कि लौट आओ ना और तो कहीं ना कहीं सॉन्ग इज़ ऑल्सो फॉर रवि साहब यही गाना वैसे मेरे पिताजी ने एक गाना निदा फाजली साहब ने लिखा था पिताजी के सरबंद में शायद फिल्म में रवि साहब वन ऑफ हिज लास्ट वन ऑफ हिज टू लास्ट सॉन्ग्स 1980 वी रिकॉर्ड द सॉन्ग सो खुशबू हूँ मैं फूल नहीं जो मुरझाऊंगा जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊंगा मैं आ जाऊंगा खुशबू तरुण साहब की आवाज़ उनकी गायकी ऐसी चीज़ है कि जब भी उन्हें याद करें वो आ जाएंगे तो सो सॉन्ग एक्चुअली उनकी बरसी पर कई लोग गाते हैं तो ये मौका मिला आज यहाँ आपके सामने इस गाने को गाकर और ऑफ कोर्स लौट आना भी हम ज़रूर चाहेंगे कि जो गाने उन्होंने गाए हैं उनकी वो मेलोडीज़ उनकी वो आवाज़ वो सोच फिर से आ जाए एंड आई एम माय बेस्ट विशेस विद अपेक्षा म्यूजिक दैट दे प्रमोट मेलोडीज़ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड थैंक यू प्रोजेक्ट हैं मैं सबसे जुड़ा हुआ और मैंने पहले काम भी किया है अपेक्षा फिल्म्स के साथ में बहुत अच्छा काम करते इसके पहले जो दूसरी चीज़ें आई थी एंटरटेनमेंट की वो बहुत अच्छी थी अभी म्यूज़िक शुरू हुआ है
और मैंने कुछ गाने सुने भी हैं, बहुत सुरीले गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं। पर आज के दौर के सभी अच्छे सिंगर्स जिन्हें हम सुनना चाहते हैं, जिनकी आवाज़ बहुत मधुर है, उनने सब गाए हैं, एक एक करके आपके सामने आ भी रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं अपेक्षा म्यूज़िक के लिए कि जैसे बाकी के प्रोजेक्ट बहुत ऊपर गए, लोगों ने पसंद किया, ये भी लोग उतना ही पसंद करेंगे और अच्छा काम करने का आगे भी मौका मिलेगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने म्यूजिक डायरेक्ट किया इस गाने का, नया लॉन्च है अपेक्षा फ्लेम्स, कैसी फीलिंग है? बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतने बड़े मंच पे खड़ा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद ये मौका आया फिर से कि एक बार आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। और अच्छा गाना बनाया है, कोशिश की है कि आप लोगों को पसंद आए। यस ऑफ कोर्स, ये मेरा काम है, मेरा जॉब है, तो मैं तो ज़िंदगी इसी के लिए यही करना है। थैंक यू। पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, और आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी था। इट वॉज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि कोई ऐसे लोग आए जो ओरिजिनल्स, और ये पारुल जी ने बताया कि विथ 20 सॉन्ग्स इज दे आर लॉन्चिंग दिस एवरी वीक, दे आर लॉन्चिंग वन सॉन्ग। तो मेरी तरफ से अपेक्षा फिल्म्स और इस म्यूज़िक कंपनी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और सर, मैं ये आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि आजकल जो है सब अपनी कंपनियाँ हैं कि रीमिक्स, आजकल फिल्म में म्यूज़िक ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल म्यूज़िक उनको लगता है कि बन ही नहीं रहा है, और फिल्म का म्यूज़िक जब पुराने गाने, जैसे अभी मेरा एक गाना था ये खबर छपवा दो अखबार में, वो लुका छुपी में आया, जी जी जी, तो मुझे ऐसा लगा वैसे वो इतना अच्छा रिकॉर्डेड था उसको और वो करके, लेकिन चलो फिर भी वो इतना अच्छा गाना था, चल गया वो, लेकिन हाँ, लेकिन ओरिजिनल्स परसों मैं रेडियो पे था, आकाशवाणी पे, तो ये बात चल रही थी कि आप ओरिजिनल्स और ये इसमें क्या समझते हैं, और कुछ नए आर्टिस्टों के फ़ोन्स आ रहे थे कि सर हम क्या करें म्यूज़िक डायरेक्टर्स के। मैं बोला अभी जो प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया ये डिजिटल मीडिया, कि मैं बोला आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, यू लॉन्च योर म्यूज़िक ऑन योर चैनल। और मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, और दिलीप सेन, समीर सेन और मेरा बेटा सुहेल सेन हमेशा इनके साथ हैं, जब भी ये याद करेंगे। और ऐसी कंपनियों के लिए, मैं नहीं, पूरी इंडस्ट्री के जितने म्यूजिक फैटर्निटी है, दे ऑल विथ यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। की हाल है? बस जी, तुसी दसो की हाल है। ठाकुर कैसा है? ठीक ठाक है। समीर जी या एमएलए आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू। राघव को मिला दो। राघव इज मुकेश जी सन एंड
हाँ जी सर जी बोलिए जी। अब सबसे पहले तो मैं अपेक्षा म्यूजिक कंपनी को जो इस लॉन्च हो रही है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, और एक ऐसे टाइम पे अपेक्षा ने डिसाइड किया अपना बैनर लॉन्च करेंगे जिसमें जिसके अंडर म्यूज़िक बनाएंगे, क्योंकि आजकल इंडिविजुअल्स के लिए इतना इजी नहीं रहा, मुश्किल काम है, फिर भी उनकी सोच को मैं वेलकम सोच है उनकी, तो मेरी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं बैनर को। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपेक्षा बैनर के अंदर अच्छा म्यूज़िक बनेगा और लोगों तक पहुँचेगा। जी हाँ जी I would like to congratulate them first of all. It's a brilliant step that they've taken, and it's really amazing that they're going to help find a lot of talent, which is going to help the industry eventually. And congratulations for you. Hi sir, hi hi. Thank you so much. Hi. Ho gaya? Yeah, ji sir. Hi. Chalo. Bulaiye. Hi ji. अपेक्षा नाम Wish you all the best. Come. Haji. We've just been asking the question just before you came in that today there's so much of music has gone colour and there's so many remixes, recreations. There's a time when you've given such lovely melodies. Now the picture music has also come into the lobby of the film industry and they've created some wonderful 20 songs. How wonderful. Well, I think that I won't speak about the trend of the music, but obviously, music has come to a new high, I feel. And there's lots of different avenues. There's not only film music, but different music of different genres and different outlets for music, which is wonderful. And Apeksha Music is most welcome to join the bandwagon and you know help create more music and find more new talents and new songs. And it's always wonderful, and it's a very lucrative business and opportunity for now for music. Now more than ever before, I feel the music has grown to a different level. There's a different level of revenue generation that is happening, and it's only fair that you know more companies like Apeksha come forward to you know garner more new talents. There's no dearth of talent in our country, and I'm very happy, and I wish them all the best. And all my good wishes and good thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir? We have Shahid and Akash also joining me. Please, ye to mera dost hai. Thank you, sir. This is Shahid. भाई ये तो गाते अच्छा नहीं, ये तो परफॉर्म भी कमाल करते हैं. दोनों में इनका जवाब ही नहीं. इनका मैंने देखा नहीं, मगर इनको मैंने देखा है परफॉर्म करते वक्त, और बहुत अच्छे कलाकार हैं. और आवाज़ भी बहुत अच्छी है, गाते भी बहुत अच्छा है. और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू सॉन्ग्स कमिंग अप. मुझे भी भेजना है, एंड माय ब्लेसिंग्स ऑन गुड लक एवरीथिंग. आई गेस मतलब क्वाइट ओवरवेलमिंग है, क्योंकि इतना ट्रस्ट जब कोई आर्टिस्ट पे कोई यू नो दिखा रहा है और काम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो
यू नो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो काफ़ी हाई होती है लोगों की, और जब भी कुछ करते हैं तो फुल ऑनेस्टी के साथ करने की कोशिश करता हूँ मैं तो. एंड इट्स रियली अमेजिंग टू बी इन सच गुड कंपनी एज शाहिद हिमसेल्फ, सो जस्ट हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू भैया. नकाश जी बहुत ही कमाल सिंगर परफॉर्मर हैं और अच्छे इंसान हैं, और अपेक्षा हमारे साथ खड़ी हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, ये अपेक्षाएं इसका मतलब वो है, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट द बेस्ट एक्चुअली. एग्जैक्टली. और अजय जसवाल जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और हमें अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए चुना, हमें लगता है कि हम अच्छा गाते हैं और अच्छा गाने की हमारी अभी जिम्मेदारी और बन रही है, तो वी आर रियली ओवरहेल्म्ड, एंड इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम बहुत बहुत कामना करते हैं. Super happy and I'm super excited, and I'm very thankful that they came over here, and they are wonderful singers, and I listen to all their songs, so mere liye to bahut hi achhi baat hai. But yes, I'm really happy that they're over here, and they started, in fact we launched our music with their songs, so thank you. अपेक्षा म्यूजिक का लॉन्च है, जैसा अपेक्षा मैम खुद यहाँ आए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं, मेरे लिए फैमिली है, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, और ये बच्ची हमारी बच्ची है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इनके नाम से ये लेबल लॉन्च हो रहा है. बहुत खूबसूरत गाने किए हैं, मैंने सारे गाने सुने हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं और गाने बहुत कैची हैं. आई रियली होप एंड प्रे एंड आई नो कि ये गाने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, एंड अपेक्षा म्यूज़िक इज़ गोइंग टू बी ऑन द टॉप वन. थैंक यू. I was so excited to see him as soon as he entered. I was like, hi, I'm really happy. Thank you so much for coming. And yeah, it's a pleasure to have him here. He has always been with us since the beginning. So he's family. Pleasure. Thank you. Thank you. Please. Aajo. सबसे पहले तो मैं अपेक्षा म्यूज़िक को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि वो ऐसे ही प्रोजेक्ट लाते रहें और हम सब देखते रहें, और ये इनका प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेस रहे. थैंक्स फॉर इनविटेशन. सहजाद जी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. कॉन्ग्रेचुलेशन. Apeksha Music is launching, like from Apeksha Films to Apeksha Music, they are launching with folk songs. You are from Bollywood. What wishes you want to do? I just would like to tell Apeksha, being so young and launching a music company, is really hats off and all the best for it, and looking forward for more good music. I think you're coming out with 18 songs. Yes, or that's right. Yes, and now you're launching four songs. Yes. That's really good to you, and in the beginning of the launch. Yeah, all the best for thank the future. You so much. Yes. Thank you. बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज आइए. जी हाँ बिल्कुल. हाँ थोड़ा बजट ज्यादा है, इसलिए हमने कुर्सी से लगवा लिया. अरे ठीक है, कभी कभी होता है, वरना हम लोग खड़े रहते हैं. आज मैंने कहा कि मैं स्टेज पे कुर्सी पे पहली बार बैठा हूँ. अरे वही तो बड़े लोगों जैसे. आज थोड़ा मैंने कहा बजट ज्यादा है प्रोड्यूसर का. तो रकाश के लिए एक बार सोलह ताने मिलिए. पीछे था कमल बैग, हाथ ऊपर कर दे. पीछे था ये सीढ़ियों में बैठनी चाहिए. ऐसा हैंडसम दिख रहा है रकाश. थैंक यू. हाँ जी. नहीं नहीं नहीं, ये घंटे पहले मैंने तुम्हारा जो रूप देखा है किसी को बताया नहीं जा सकता है. नकाश वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है. एंड बहुत लंबी जर्नी रही आपकी, देखा जाए तो गानों के माध्यम से, स्ट्रगल के माध्यम से जी. और अधिकतर इंसान के प्यास जब काम नहीं रहता और काम आ जाता है इतना ज्यादा, जब सलमान के लिए आप गा रहे हैं जी, है ना, शाहरुख के लिए गा रहे हैं,
जबरा फैन बन जाते हैं आप, तो क्या फीलिंग है उस जमाने के रवि की? वैसे तो मैं सबसे पहले क्रेडिट दूंगा जो हमारे कंपोजर्स हैं, जो इतना मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ, क्या फील था उस समय, अभी क्या फील आ गया है? उस समय क्या फील था? हाँ, आई थिंक फीलिंग सेम ही है। नहीं, मैं बताता हूँ फीलिंग क्या होती है शान भाई। मेरी फीलिंग ये होती थी उस जमाने में कि 24 घंटे फोन ऐसा रहता था सामने कि कब आ जाए कब आ जाएगा, और अभी आता है तो अच्छा इसको फोन करना पड़ेगा क्या? जो फैक्ट है जो प्रैक्टिकल है, तो वही पूछ रहा हूँ कि सर क्या अंतर आ गया सर आपसे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। सर बता नहीं रहे सर। नहीं, लोगों का नजरिया चेंज हो कि नहीं हुआ? ये तो लोगों को ही पूछना पड़ेगा। मेरा ऐसा है कि मेरे जो बचपन के दोस्त अभी भी मेरे साथ में, मैं अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है शायद से मेरे लिए, क्योंकि मुझे सेम फील होता है एवरी डे, यू नो लाइक सेम ऐसे मुझे खुशी होती है ज़रूर कि सलमान खान शाहरुख खान इनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, और इनके फेस पे मेरा वॉइस देखने को थोड़ा अजीब लगता है, बट जब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आई फील लकी, यू नो। मैं आपसे गाना चाहता हूँ, आप एक गाना गाएं जो आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करता है। नकाश अजीज इज इक्वल टू दिस सॉन्ग। जो मेरी लाइफ को जी, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। क्या बात है, जोरदार तालियां, कम ऑन। नकाश अजीज हमारे साथ में है, क्या बात है शान भाई, मानना पड़ेगा बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत टैलेंटेड है। इनका पहली बार जब मैंने इंटरव्यू लिया था मुझे महसूस हो गया था उसी समय, ये अधिकतर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये कहते हैं कि जब वो एक्टर मेरे सामने आया तो मैंने पहले दिन ही बोल दिया था तो सुपर स्टार है। नकाश, एक तो चीज़ आपने ये गाना गाया, दूसरी बात इंसान सफल होता है कई बार डिप्रेशन आता है लाइफ में, और जब सफल होता है, आपकी लाइफ का सबसे हाई पॉइंट कौन सा था? आई थिंक मैं जब रहमान सर से मिला और मैंने उनकी एक फिल्म थी प्रॉफिट मोहम्मद पे जो बनाई थी उन्होंने, तो उस फिल्म के लिए उन्होंने मुझे कुछ लाइक वोकल्स डिज़ाइन करने के लिए बुलाया था, मतलब उनके होते मैं वोकल्स डिज़ाइन नहीं किया बट उन्होंने मुझे बताया कि ये करना है, तो आई थिंक जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत लाइक बहुत खुशी के आंसू आए थे उस दिन। क्या बात है यार, रहमान जी के लिए गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो कौन सा गाना होगा? आई थिंक रहमान सर के म्यूजिक के लिए मैं ये गाना कौन सा होगा? तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आ जा रे इन सांसों में बस जा तू, चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। वाओ, गिव इट रिपीट जोरदार तालियां। नकाश अजीज हमारे साथ में मौजूद है। नकाश, इसमें बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में जा रहा है, आपकी पहली गर्लफ्रेंड जो फैक्ट है, हाँ, उसको अगर एक गाना डेडिकेट करना चाहोगे तो कौन सा गाना होगा? तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना है रे, माने ना मेरा दिल दीवाना, 6 साल पहले। भाई सच्चा तो इंसान है, ईमानदारी से बता भी दिया 6 साल पहले की बात, अभी साल है नहीं? नहीं, अभी मैं एक हूँ, 7 बात नहीं है सर। अच्छा, सिंगल सिर्फ 6 साल हो गए हैं, अभी 7 साल में 7 कोई नहीं है, क्या बात है। नकाश, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जी जब इंसान को लगता है कि यार मैं थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा हूँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है सर आपके साथ बैठ के,
लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा मुकाम कभी ना कभी तो आएगा जब आप बहुत प्राउड महसूस करते हो, उस समय कौन सा गाना गाएंगे आप? क्या गाऊंगा जब मैं बहुत मैं मेरा हायर जब ना हो रे जब ना फैन हो गया और मुझे देखते ही दिल में ठन ठन हो गया मैं मेरा हायर जब ना हो रे जब ना फैन हो गया। क्या बात है, 16 तालियां होनी चाहिए नकाश अजीज के लिए। नकाश थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम टू फैमिली। और बहुत बहुत शुक्रिया अपेक्षा म्यूजिक के लिए। कौन सा अभी उस समय दबाऊंगा ना जब बुलाऊंगा उनको दोबारा एक बार। नकाश के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए गाइस। थैंक यू, जोरदार तालियां। अच्छा गाई दो यार, शान ने बोल दिया तो बात नहीं पा सकता हूं यार। ओके प्रातुल, नकाश ने बहुत ही खूबसूरत सा गाना गाया है हमारे इस एल्बम में और मैं चाहूंगा कि वो प्लीज लोगों तक पहुंचाए। कौन सा गाना? वो मतलब इंस्पिरेशन के लिए मैं फोटो ले रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हां सेल्फी होता है ना, कई बार खुद ही सेल्फी लेता है इंसान। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल ने भर गया आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया और अब मैं तो मर गया शदाई मुझे कर गया और अब मैं तो मर गया शदाई मुझे कर गया। वाह क्या बात है। शान सर सामने बैठे हैं, मेरे फेवरेट सिंगर नकाश जी हैं, ललित सर हैं, सबीर मामा जी हैं और भी बहुत सारे गुणी लोग बैठे हैं, अंजन जी हैं, सबके नाम जानो जी हमने बैठा के रखे हैं। जैसे अच्छा इंटरव्यू दो, अच्छी बातें करो कि पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है, 6.5 करोड़ लोग देख रहे हैं इस समय। क्या बात है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक तो बहुत ही कमाल गाना था दोस्त नकाश, बताओ जब इनका एक गाना आया था रेडियो में, मतलब कम से कम मुझे एक शो के अंदर 3-3 बार बजाना पड़ता था 1 घंटे के अंदर, जबकि 6-7 गाने बजाते हैं। थैंक यू सर। एक बार बताइए कि जैसे तरह से नकाश से पूछा था कि जिंदगी परिवर्तन होता रहता, आपका फेवरेट सिंगर आपका आइडल कौन है और जब आप उससे मिले तभी कि नहीं मिल रहा है? मिलना तो चाहता था, रफी साहब सिंगर है मेरे आइडल, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी अमल है तो ऐसा लगता है आज जो हमारे बीच है उनकी आवाज़ के थ्रू वो जिंदा है। तो रफी साहब फेवरेट है आपके? अगर रफी साहब मिलते हैं आपकी जिंदगी में
तो क्या पूछते, क्या बात करते आप? कौन से पूछता कि मैं गाऊं या नहीं? अरे अब क्या प्रूफ क्या है अब तो क्या है यार? रवि साहब होते तो मैं शायद गाने की सोच नहीं पाता, और उनको सुन सुन के हमने सीखा है, दो भी गा रहे हैं आज। तो सबसे फेवरेट सॉन्ग रवि साहब का कौन सा है? सारे फेवरेट हैं। एक गाना दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो नाए तेरी याद सताए दिन ढल जाए। वाह क्या बात है, क्या बात है। दूसरा गाना कौन सा याद आता है रवि साहब? बहुत सारे गाने हैं। एक और मौके बहुत बहुत कम मिलते हैं। बंदा परवर मैं कहा ये आपकी महफिल कहा बंदा परवर मैं कहा ये आपकी महफिल कहा आपकी बंदा क्या बात है। अधिकतर ऐसा होता है कि जब सिंगर गाना शुरू करता है तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने लगते हैं, होता है ना ऐसा? आज तक का सबसे वाहियात क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? बहुत ही घटिया क्वेश्चन। शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? हाँ क्यों आपको वाहियात क्यों लगता है? वाहियात इसलिए कि शुरुआत तो पैदा होने से हो जाती है। नहीं एक्चुअली वो म्यूजिक की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। म्यूजिक की शुरुआत जैसे ही आप समझने लगते हैं म्यूजिक शुरुआत हो जाती है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन आज तक आपकी जिंदगी में क्या मिला, क्या क्वेश्चन था? प्लीज आप ये स्टॉप करेंगे यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं, प्लीज यहाँ बातें हो रही हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग प्लीज आ जाइए यहाँ पर, थोड़ा सामने रहते हैं, वो आवाज़ यहाँ तक आ रही है। जी सॉरी, क्या आपको कैसा लगता है कि आपने ये गाना गाया है? नहीं मैं अच्छा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन यही है कि मैंने यकीन कर नहीं पाता, क्योंकि मुझे जब मेरे कंपोजर्स मुझे गाने के लिए बुलाते हैं तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया गाने के लिए, और मुझे यकीन नहीं होता, इसलिए मैं 20-30 बार गाना सुन के फिर यकीन करता हूँ क्या मैंने गाया। क्या बात, बहुत ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से, क्या बात है। अगर आप अपने मम्मी पापा को इस समय कोई गाना डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा गाना होगा? तुम्ही मेरे मंदिर, ये नहीं सर, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। माँ बाप के लिए तो सारे गाने उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ, गाते जब शुरू करता हूँ माइक पे तो उनका नाम लेके, अपने गुरुजी का नाम लेके, पापा मेरे गुरु हैं। तो आप क्या करते हैं? जब कई मैं सिंगरों से बात करता हूँ, मुमताज़ हुसैन बात कर रहा था तो उनकी अपनी स्टाइल होती है, मैं बहुत सारे अभिजीता से एक बार बात कर रहा था, सोनू से एक बार बात कर रहा था, तो हर इंसान जब सेट पे जाता है माइक्रोफोन के सामने तो कुछ करता है, जैसे मैं ओम का उच्चारण करता हूँ थोड़ा सा कंसंट्रेशन के लिए। आप क्या करते हैं जब सेट पे जाते हैं माइक्रोफोन के सामने जाते हैं? वो बता नहीं सकता मैं। शुरू कर देते हैं आप? हाँ ये बात सही है, क्या हम लोग फोकस की कमी ना, हम लोगों को, हम लोग इधर उधर बहुत सोचते रहते हैं ना, और एनर्जी चाहिए बिकॉज वो एनर्जी से बहुत अच्छा रहता है। आपके गुरु हैं कोई म्यूजिक में? मेरे पापा का पापा हैं। पापा ने कोई ऐसी बात बताई जो म्यूजिक में आज तक गांठ बांध रखी है और 80 साल के हो जाएंगे ऐसे ही मशहूर सिंगर रहेंगे आप तो भी याद रखेंगे? जब मैं सीख रहा था गाना तो ज्यादातर गुनगुनाया करता था, वो बोलते थे कि या तो गा या गुनगुना, तो लाउड गाना थोड़ा सीखा, उन्होंने एक बात बोली है जब भी गाओ गुनगुनाओ मत सीधा गाओ। ओके तो कौन सा गाना आपका उन्हें बहुत पसंद था? अभी तक तो कोई पसंद नहीं आया, मम्मी को पसंद है। ऐसा कोई पसंद नहीं आया सर? एक बार रियाज कर रहा था, 50 रुपए दिए थे कि अच्छा गा रहे हो, खुश हो गए। आपको अपना फेवरेट गाना कौन सा लगता है? फर्स्ट सॉन्ग रब्बा मैं तो मर गया। उसके जिम्मे दूसरा गाना एक कुड़ी, थोड़ा सा गाएंगे? इजाजत है जी, मैं इजाजत के बगैर मैंने शुरू कर दिया। शान सर मैंने आई एम सॉरी, मैं इजाज़त के बगैर मैंने शुरू कर दिया गाना और सबसे बैठ के बाप गान पे खड़े हो गए। इजाज़त जी मैं एक कुड़ी सुना रहा हूँ।
मुझे याद हो जाएगा और मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि वो हिट हो। दो लाइनें मुझे याद है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा प्लीज। हर वेला हर पल कैश करना, हर वेला हर पल कैश करना, ए मैं पंजाबियां दा कैश ऐश करना, ए मैं पंजाबियां दा ऐश करना। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। थैंक यू बॉस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज कम। योगेश लखानी साहब आ गए हैं। योगेश साहब वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज स्थान ग्रहण करें। आई सर, एज यू नो आप जानते हैं कि जैसे जैसे शाहिद बहुत ही प्यारे अंदाज में अपने दिल की बात रखी है, लेकिन नकाश ने जो जो चीजें बोली मेरे जहन में अभी भी घूम रही है। नकाश बहुत जेन्यून है यार, क्या जवाब दिया आपने, बहुत कमाल है यार। ये सब रेडियो में जाएगा और मैं कल के शो में प्ले करने वाला हूँ ये सब चीजें। थैंक यू गाइस। लेकिन अब मैं जिसको बुलाने जा रहा हूँ, राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित वो व्यक्ति, आई थिंक पूरे दुनिया में मैंने ऐसा कलाकार नहीं देखा, ऐसा वर्सेटाइल वाला आर्टिस्ट नहीं देखा, और उससे बढ़कर एक लाइन में बोलूंगा इस इंसान के लिए, एक ग्रेट ह्यूमन बींग, उस इंसान को यहां बुलाने जा रहा हूं जिनका नाम है शान। जोरदार ताली स्वागत कीजिए शान के लिए। अरे ताली बसी रहनी चाहिए शान के लिए, कम ऑन। शान के लिए इस तरह इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता है, बहुत बढ़िया शान, वेलकम, स्वागत है आपका। एंड मैंने कहा कि ग्रेट ह्यूमन बींग अगर कोई है इस दुनिया में तो वह है शान। तो ठीक है सर, लेकिन राष्ट्रीय अवार्ड मुझे कब मिल गया है? वो पहला इंट्रोडक्शन के लाइन के बाद में उससे किसी और की बात हो रही है। बाकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ मेरे लिए सर, आपने दे दिया बस। और जी 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 मैं दोस्तों, जब अवार्ड्स और अवार्ड्स की बात चल रही है तो सबसे पहले ऑफ कोर्स इंटरव्यू वैसे पार्टी साहब ले रहे हैं, लेकिन एक बात कहना बहुत जरूरी है कि इन्हें हाल ही में 11वें कक्षा के हिंदी सिलेबस के महाराष्ट्र के किताब पर इन पर एक पूरी चैप्टर है ऑन रेडियो जॉकी अनुराग पांडे, और हमारी दोस्ती हमारी जान पहचान बहुत सालों की है, लेकिन आई एम सो प्राउड सो थ्रिल्ड फॉर पांडे साहब। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जब आया तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जो रिएक्शन दे रहे लोग मैं ऐसा हो रहा हूँ कि अरे बाप रे ऐसा भी है क्या, बहुत बड़ी बात है सर। नहीं वाकई अब लग रहा है कि बड़ी बात है, जब अमिताभ बच्चन साहब ने ट्वीट कर दिया, सब दोस्तों ने कहा कि भाई क्या कमाल कर दिया। लेकिन शान वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से परिवार में। अपेक्षा म्यूजिक एक छोटा सा परिवार है, अजय जी ने कोशिश की कुछ कलाकारों को जोड़ने की और म्यूजिक के जरिए पहुँच रहे हैं, उसमें श्री गणेश आपका हुआ। मैं हमेशा आपका इंट्रोडक्शन हर जगह देता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस हिंदुस्तान में सिंगरों में अगर सबसे ग्रेट ह्यूमन बींग अगर कोई है तो वो है शान। क्या बात है, एक बार जोड़ा तारी चाहिए शान के लिए। सर इससे बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता किसी के साथ। शान जिस तरह से मैंने नकाश से कुछ बातें की हैं, शाही से कुछ बातें की हैं, श्रवण साहब आ चुके हैं, श्रवण जी के लिए एक बार जोड़ा तारी चाहिए। क्या बात है श्रवण जी, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पांडे जी आप कैसे? मैं बहुत खुश और बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ आज। शान जैसे कि मैं कुछ समय पहले जब आप आए थे तो हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, तो अधिकतर लोगों के जहन में रहता है शान के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, और मैं तो बहुत ही जब नया नया आया था, जब आपके गाने आते थे, मैं सोचता था कि इतनी प्यारी आवाज़ है इस इंसान की, तो इंसान कितना अच्छा होगा, और वैसे ही निकला। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसने क्या दिया? फिलहाल तो आपने ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए कि आई एम स्टिल रीलिंग अंडर द इफेक्ट, लेकिन बहुत लकी रहा हूँ कि बहुत प्यार मिला है, बहुत लोगों का साथ मिला है। श्रवण जी हैं, सुनील जी हैं, ललित जी हैं, हमारे सारे सीनियर कंपोजर्स जिन्होंने जब भी
मौका मिला मुझे जहाँ भी उन्हें सही लगा उनसे उन्होंने गाने गवाए। तो आई थिंक हर सिंगर के लिए कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह होती है, लेकिन अगर किसी अच्छे गाने पर किसी कंपोजर को लगे कि हाँ ये गाना फला फला इस सिंगर से हम गवाएंगे, इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं होती क्या बात कि आप वो आपको कास्ट करते हैं ऐसे गाने पर। हमारे सारे जो सिंगर हैं मौजूद हैं ममता है नकाश है सबको यही लगता है कि बाकी बातें तो बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट अगर आशा जी मेरे गाने पर उन्हें बहुत जब से तेरे नैना ये गाना उन्हें बहुत पसंद आया कहा कि शान बहुत अच्छा गाया। तो ऑफकोर्स ऐसे जब महान से महान कलाकार अगर आपका नाम भी उच्चारण करें अपने फोटो पर तो बहुत अच्छा लगता है। जब आशा जी ने बोला होगा जब से तेरे नैना के बारे में तो क्या रिएक्शन था एग्जैक्टली क्या बोला था उन्होंने आपको और हाउ वाज द रिएक्शन? एक्चुअली आप तो देख रहे हैं ना ये पूरा ये ऑल इंडिया जा रहा है तो रिएक्शन जब कोई आपको पर्सनली बताता है अच्छा तो लगता ही, लेकिन अगर पब्लिकली सामने लोगों को कहते हैं तो और भी अच्छा। तो मुझे उन्होंने तो कहा था लेकिन इससे पहले मैं जब पहली बार सुना तो इट वॉज ऑन रेडियो स्टेशन और ऑन एन इंटरव्यू जिन्होंने कहा था कि और मैंने इनको फोन किया तो मैंने भाई क्या बात है और फिर मैं दोबारा रिपीट किया उस शो को मैंने सिर्फ इनके लिए कि सुनो भाई तो वो गाना हो जाए। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ रब भी दीवाना लागे रे रब भी दीवाना लागे रे हो जब से तेरे नैना। क्या बात है जोरदार तालियां भी चाहिए सुपर यार कमाल है तो जैसे आशा जी ने कॉम्प्लीमेंट तो कैसा लगा उनका कौन सी चीज आपको बहुत अपील कर रही कौन सी ऐसी बात जो आपको लग गई कि यार क्या बात हुई शुरुआत करते हैं। Nakashi, you sang really well and we welcome you here and thank you so much for singing our first song. It's one of our first albums and I'm really happy and you're very talented. And yes, and then I would also like to thank Shan sir and you sang really well. I mean, you were hilarious over here. You like totally rocked the party. So, yes. Shahid sir, yes. You also sang really well. Hi. Hello. Thank you so much for coming in and I welcome you all. तो ये म्यूजिक की बात चली है वो आपके नाम से ही तो मतलब अच्छाई होगी तो आपके नाम से होगी और कुछ गड़बड़ा हो तो इन्हीं के नाम से होगा मतलब आपने जानबूझ के बिटिया को सुना है ना तो क्या ये क्या सोच क्या थी क्या कॉन्सेप्ट था आपने क्यों सोचा कि इसको एक म्यूजिक के जरिए म्यूजिक एल्बम के जरिए दुनिया तक पहुँचाया जाए न्यू कमर्स को क्योंकि सब नए लोग सब नए आर्टिस्ट को आप प्रमोट कर रही हैं क्या है रीज़न? So, पहले शुरुआत से जैसे वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवर न्यू लेबल वी वांटेड यू नो रियली सक्सेसफुल सिंगर्स लाइक ऑल ऑफ अस लाइक ऑल ऑफ योर हु सैंग फॉर अस वी वांटेड दैट यू नो टू कम इन टू ब्रेक इन द न्यू एल्बम एंड वी आल्सो हैव अ विजन टू ब्रेक इन ओरिजिनलिटी वी डू नॉट रियली वांट टू मेक रीमिक्सेस इफ यू सी दैट अ लॉट ऑफ यू नो डिफरेंट चैनल्स दे शो अ लॉट ऑफ रीमिक्सेस अ लॉट ऑफ ओल्ड म्यूजिक इज कमिंग बैक इन So we wanted to bring in a lot of original music, soulful music like our lovely singers have sang that was my vision. And I also want to introduce, English music in the industry. So it is everything. Someone said, in the press that they love Sufi songs and we have also introduced a lovely Sufi song that would be coming up very soon. And I request you all to, listen to our music and let us know, give us feedback, how you like it. And this is a mixture, so we've got everything. It'll be Sufi, it'll be sad songs, it'll be nice, happy, lovely Punjabi songs also. So I hope you guys enjoy it. This was my vision, and I hope you guys appreciate it and like it as well. Guys, give it again. Zordar taali bhi chahiye. And Apeksha, is song ke saath mein hai. Aur main Apeksha, aur bhi aap zehen mein kuch cheeze jo share karna chahti hain. Kuch points rahe hain aapke paas? Please. But I think I've said enough and I want you guys to also enjoy the party. But I would still like to tell you that, we have introduced commercially successful artists who are in the industry for really long and we have like lovely guests coming over today.
And for us, everyone, our chief guests, we don't have a single, you know, we don't have a selected bunch of chief guests. We, everyone, all of you are welcome, and we are really happy to have you all over here. And talking about bringing in new talent, yes, we are very open to bringing in new talent. A lot of people come to Mumbai thinking that, you know, they would, they need a chance. They have a lot of good ideas, but they don't have a platform. So we, as Apeksha Films, a new label, we want to introduce something a little different. We also want to bring in new artists. Let's see, let's take in their talent, and, you know, we definitely we are going to take this to another level. We want to take this to another level. And I thank my entire team, everyone over here, for making this happen, and for all of you guys to come over here and making this a great success. Thank you so much. और ये वाकई जी आए थे लेकिन चले गए जी जी दीपक जी आइए प्लीज कॉम द स्टेज डॉक्टर अनिल बुराका इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं कृपया मंच पर आए जोड़ा ताली नहीं चाहिए प्लीज गो बिगेन जोड़ा तालियां अंजन भट्टाचार्य जी कृपया मंच पर आए एंड शांता ने अच्छा मैं चाहूंगा कि जो एल्बम रिलीज करना है प्लीज एल्बम लाया जाए आइए आइए आप नहीं कर सकते शान ऊपर है क्या शान कहां अच्छा बाहर गए एंड रिक्वेस्ट करूंगा अमन त्रिगा साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज अमन भाई कम 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 आइए आइए अरविंद जी कहाँ है अरविंद जी प्लीज कम ना अरे घर की बात है यार बोलने की जरूरत थोड़ी होनी चाहिए यार आइए आइए प्लीज शान साहब कहाँ गए हैं बुलाओ भाई
मौका मिलने वाला है जहाँ पर नए लोगों को काम मिलने वाला है, अच्छा काम मिलने वाला है. वेरी हैप्पी कि इस तरह का इनिशिएटिव अपेक्षा म्यूजिक ने लिया है. एंड कंग्रेचुलेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट. डेफिनेटली आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. म्यूज़िक सुनने से या फिर म्यूज़िक के साथ रहने से आप जितना इम्प्रूव करते हैं वो आई थिंक कहीं और नहीं हो सकता है. इन अपेक्षा का ये जो इनिशिएटिव है डेफिनेटली मार्केट में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा. जिस तरह का म्यूज़िक मैंने अभी सुना है एंड ट्रस्ट मी इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत ही कमाल का, बहुत ही शांत एक म्यूज़िक. मुझे बहुत मज़ा आया. सबसे पहले तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा. ओरिजिनल्स आजकल सुन के बड़ा अच्छा लगता है और देख के और भी ज़्यादा मज़ा आता है. और इसमें जो सिंगर्स का सिलेक्शन है दैट इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग, बिकॉज शान दादा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. शाहिद माल्या इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर इन इंडिया. एंड उसके अलावा नकाश अजीज इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. सो आई जस्ट लव द कॉम्बो ऑफ दीज पीपल. ये जो फर्स्ट लॉट आया है अपेक्षा म्यूजिक से एंड आई एम होपिंग फॉर लॉट मोर टू कम. डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क विद देम. एंड मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इसी टाइप के ओरिजिनल्स बनाते रहें, क्योंकि ओरिजिनल सुनने में जो मज़ा आता है ना वो और कहीं नहीं आता है. सो प्लीज़ गिव अस मोर म्यूजिक, मोर ओरिजिनल फ्रेश म्यूजिक. मैं अभी बोला मुझे ओरिजिनल्स में ज़्यादा एक्साइटमेंट लगता है. ऑफकोर्स रीमेक में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है. टू डांस ऑन द नंबर्स आई जस्ट लव इट, बट स्पेशली आई प्रिफर मोर ऑफ ओरिजिनल्स. I'm an original person. Thank you everyone. Hi guys, this is Mita Gondkar and I'm at the launch of Apeksha Music. I'm really happy that new companies are coming in, and of course the speciality or the USP of this company is that they're going to have all original music, no remixes. So you have new talent coming in, new music, so everything. I'm looking forward. I want to wish Mr. Jaiswal all the very best and congratulations on this new venture. I wish the entire team a very, very happy and a successful year coming up. Thank you. Thank you so much. I would like to congratulate them and wishing them a big success and may they do well in the industry. बहुत बहुत मुबारक हो उन्हें. और मैं दुआ करूँगा कि अच्छा जाए अपेक्षा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, बहुत तरक्की करे. व्हाट एल्स? अच्छा, किस तरह का म्यूजिक एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर म्यूजिक की बात आती है, किस तरह का म्यूजिक इज समथिंग, यू नो, सबका अपना अपना टेस्ट होता है. तो आई लाइक ऑफ कोर्स बॉलीवुड, बट आई लाइक रॉक ऑल्सो, ग्रूवी एंड यू नो बेसिकली जो हमारा कंट्री है उनको पसंद आना चाहिए म्यूज़िक, हर जनरेशन को पसंद आना चाहिए. सो और मुझे पूरी उम्मीद है इनसे कि ये पूरा करेंगे. अच्छा, इन दिनों जो है रिक्रिएशन का बहुत क्रेज चल रहा है, तो क्या लगता है आपको रिक्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए? ओरिजिनल ओरिजिनल है, ओरिजिनल ओरिजिनल है. रिमिक्स ये है कि आजकल क्लब्स में चलता है तो फोक म्यूज़िक का रिमिक्स होता है, बट ऑब्वियसली ओरिजिनल होगा तो उसका मज़ा अलग है. ऑलरेडी इतनी ज़्यादा दे दी है मैंने पहले, तो बहुत बहुत मुबारकबाद अपेक्षा फिल्म एंड एंटरटेनमेंट को एंड ऑल द बेस्ट एंड लॉट ऑफ सक्सेस. या आई डिड वन वेब सीरीज, आई प्रोड्यूस दैट ऑल्सो, एज एन एक्टर ऑल्सो आई एम परफॉर्मिंग इन इट. नेम ऑफ द वेब सीरीज इज मायोपिया. सो जल्दी आप देखेंगे मे बी इन सम गुड वेब चैनल. यू वेलकम. सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका नाम से कंपनी लॉन्च हो रही जा रही है आज, अपेक्षा. इट्स अ ब्यूटीफुल नेम और ये म्यूज़िक वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि म्यूज़िक कंपनीज होनी चाहिए जो कि हमारा जो संस्कार है, जो हमारे कल्चर हैं और जो हमारा म्यूज़िक है, हमारी जो म्यूज़िक की सभ्यता है, ख़ास करके जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है वो बहुत बड़ा है. तो इस चीज़ के लिए मैं इनके पिताजी को और अपेक्षा जी को बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूं. और इस
अपेक्षा इस नाम से इस म्यूज़िक के जो लेवल आज जो ये बन रहा है, आज कंपनी फॉर्म हो रही है और लॉन्च होने जा रही है, इसमें ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए जो बहुत डिज़र्विंग हों और किसी रीज़न से उनको कभी वो मंच नहीं मिल पाया शायद। और जितने भी जो हमारे गुणी कलाकार हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कंपनी को और इस म्यूज़िक को बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि वी नीड गुड म्यूज़िक। मेरी दिल से शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपेक्षा बहुत बहुत अपना एक नाम बनाए, ये म्यूज़िक लेवल अपना ऐसा नाम बनाए इस हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे संसार में, कि लोग वेट करें कि इस लेवल से कोई अच्छा म्यूज़िक कब आने, कब कब सुनने को मिलेगा, ऐसा इंतज़ार हो। जैसे एक टाइम पे हम इंतज़ार करते थे HMV से, जब कैसेट वगैरह जब रिलीज़ होते थे, उसको लॉन्ग प्ले कहते थे, वो रिलीज़ हुआ करते थे, फिर उसके बाद कैसेट आया, फिर CD। तो यही दिल से दुआ है कि बहुत अच्छा करे काम अपेक्षा म्यूज़िक, और हम सब इसके साथ जुड़े रहें, और जितने म्यूज़िक के जितने भी जो फ्रेटर्निटी के हमारे जो अच्छे म्यूजिशियन हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे लिरिसिस्ट हैं, वो सब इसके साथ जुड़े और इस कंपनी को और आगे बढ़ाए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। बहुत सारे गाने सुन लिए, म्यूज़िक सुन लिया, संगीत सुन लिया, जिसका अपेक्षा था वही अभी लॉन्च हो रहा है अपेक्षा म्यूज़िक। एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज दे वर वेरी लेस प्लेयर्स इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, एंड नाउ वन मोर, अपेक्षा नेटवर्क, अपेक्षा म्यूज़िक, अपेक्षा फिल्म्स। सो किसकी अपेक्षा है, अच्छे अच्छे काम करेंगे, अभी आ गया ना। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जी, इट्स गुड। और अभी तो क्या है कि म्यूज़िक का एक अलग ही डायमेंशन, अलग ही मतलब कि जो सोलो म्यूज़िक जो पहले हम लोग पॉप कल्चर जो हम लोग करते थे वो अभी फिर स्टार्ट हुआ है, एवरीबडी डूइंग इंडिविजुअल म्यूज़िक, तो अच्छा है। इट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल, दिस इज योर म्यूज़िक चैनल, इट्स अ चैनल, म्यूज़िक चैनल। ओरिजिनल सॉन्ग ऑलवेज वर्क, क्योंकि हम जब पहले सुनते थे 90s में जो गाने आते थे, जैसे सिल्क रूट के गाने, रेमो के गाने, तो हम लोग हर समय कनेक्टेड थे, और अभी फिर ये वो चीज़ हो रही है, ऑल बिग आर्टिस्ट आर डूइंग देयर सोलोज, तो अच्छा, इट्स गुड, गुड टाइम फॉर म्यूज़िक। थैंक यू। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि नए नए लोग आना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई हूँ पुराने लोगों के गाने सुन सुन के। आप थोड़ा चेंज आना चाहिए, जैसे खान हैं, खान बरसों से चल रहे हैं, अब नए खान को आना चाहिए, ठीक है? तो मतलब नए म्यूज़िक कंपोजर्स आना चाहिए, नए गाने गाने वाले आना चाहिए, तो अब नई चीज़ें आना चाहिए। वैसे भी 2020 आने वाला है, तो 2020 में नए लोग आना चाहिए। मैं एक्चुअली मैं वैसे दिखती तो बड़ी तड़कती भड़कती हूँ, लेकिन आई लव सूफ़ी सॉन्ग। मुझे नुसरत साहब के गाने बहुत पसंद हैं, जैसा कि आपने देखा होगा मेरा रश के कमर जो मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है। तो बस यही बोल सकती हूँ कि शेख साहिब का ईमान बिखी गया देखकर, उसने साखी पिघल ही गया। थैंक यू सो मच। मैंने अभी अपेक्षा से बोला कि अपेक्षा से क्या अपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट म्यूज़िक लेबल्स हैं हमारे यहाँ पे, जब कोई नया म्यूज़िक लेबल आता है तो वह सोचते हैं कि वहाँ से क्या नया आने वाला है, और इन्होंने कहा कि इंडी भी है और इंग्लिश भी है, तो मुझे लगता है कि जितने भी इंडिया में सिंगर्स हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, ताकि जो पुराने हैं, दिग्गज हैं, उनके सामने नए लोग कई बार नहीं टिक पाते हैं। तो अपेक्षा से मेरी अपेक्षा है कि वो नए सिंगर्स को बढ़ावा देंगी, और नए सिंगर्स हमारे सामने आएंगे जिनके पास बहुत बहुत प्यारे गाने हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। अपेक्षा के लिए, और क्योंकि बात म्यूज़िक की है तो म्यूज़िक के लिए मैं हमेशा, मैं जहाँ भी म्यूज़िक की बात होती मैं वहाँ होता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अच्छा म्यूज़िक, ओरिजिनल म्यूज़िक आप लोगों तक लाएँ। और जहाँ तक अब तक जो गाने मैं देख रहा हूँ, शान, कुणाल, शाहिद माल्या, तो अच्छे सिंगर्स इस कंपनी में गा रहे हैं,
और आई होप कि बहुत जल्दी मैं भी गाऊंगा। यस डेफिनेटली। एंड मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेज है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे आज अपेक्षा म्यूजिक कंपनी का लॉन्च है, ग्रैंड लॉन्च विद 20 ओरिजिनल सॉन्ग्स एंड दे गॉट अपेक्षा न्यूज़ नेटवर्क, दे गॉट द फिल्म कंपनी बीइंग लॉन्च्ड। I really wish them, first of all, foremost, I really wish them all the very best for the endeavor they have entered into. The name Apeksha itself indicates that probably they will live up to the expectations of the masses for sure. Shan being there around is a wonderful human being, a great singer. Jitni tareef karun, utni kam hai. But yes, I really look forward for doing or rather looking forward for them to do wonders in the music fraternity. Done deal.